बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अब लोकसभा चुनाव का हाल। देखिए, लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से अब बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन और तेज कर दिया है। इसी क्रम में आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, चुनाव प्रभारी और संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे। मीटिंग में उत्तर प्रदेश की बची हुई 21 सीटों पर मंथन होना है। ना सिर्फ लोकसभा की बची हुई 21 सीटें बल्कि एमएलसी उम्मीदवारों पर भी मंथन किया जाना है, विचार विमर्श किया जाना है, उनके नामों का ऐलान भी जल्द होगा। कोर ग्रुप की इस बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और फिर बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगनी है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक जो दिल्ली में होनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे और विस्तार से उनसे समझेंगे कि भाई बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए हो जाती है क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, अब चुनाव प्रचार और प्रचंड हो जाएगा। तो ऐसे में जल्द से जल्द उन उम्मीदवारों के नाम को सामने आना बहुत जरूरी है जिनके लिए प्रचार किया जाना है। अब तो कई उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी सीट्स हैं जिनके ऊपर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अब भी कई ऐसी सीट्स हैं जिन पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कईयों के टिकट काटे भी जा सकते हैं। अब ये देखना बहुत जरूरी होगा, जब ये तीसरी लिस्ट बीजेपी जारी करेगी अपने उम्मीदवारों की, तो उसमें उत्तर प्रदेश के कितने उम्मीदवारों के नाम होते हैं और क्या जो 21 नाम बचे हैं उन सारे नामों का खुलासा कर दिया जाता है या फिर नहीं। ना सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि विधानसभा के सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं, उन पर भी जल्द ही नामों का ऐलान होगा। और दिल्ली में जो कोर ग्रुप की ये बैठक होनी है, इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, सीधे बताइए आप सबसे पहले कि ये बैठक क्या शुरू हो चुकी है, नहीं हुई है तो तैयारियां कितनी कर ली गई है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के साथ साथ जो विधानसभा पर उपचुनाव होना है उनके नामों का भी ऐलान होना बाकी है। हाँ जी कंचन, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है आज बैठक होगी, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, विभिन्न राज्यों को लेकर के बैठक होगी और इसमें उत्तर प्रदेश जो है वो भी है जिसको लेकर के आज बैठक होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बैठक, इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ जो डिप्टी सीएम है, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी ने जिस तरह से 51 सीटों के अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और बाकी के जो बचे हुए सीट है उस पर भी बीजेपी को अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी है, तो इसी को लेकर के मंथन होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर सीटों की बात करें तो गाजियाबाद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सीट हो जाता है। क्या इसमें जो मौजूदा सांसद हैं वीके सिंह और जो यहां पर केंद्र में मंत्री भी हैं, क्या उन्हें बीजेपी फिर से टिकट दे, इसको लेकर के मंथन चलेगा, या फिर कोई नया उम्मीदवार होगा इसको लेकर के भी मंथन चलेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवरिया की सीट को लेकर के भी बीजेपी को मंथन करना है, फैसला करना है, क्या यहां वहां के जो मौजूदा सांसद हैं उन्हें दिया जाए या फिर कई दावेदार जो हैं उनको लेकर के मंथन जो है वो चलेगा। मेरठ की सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको लेकर के भी बीजेपी को फैसला करना है। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी ने मिशन में 400 जिसमें एनडीए के 400 सीट और बीजेपी की 370 से अधिक सीट का टारगेट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्स किया है, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 सीट आती है और बीजेपी जितना अधिक सीट जो है वो उत्तर प्रदेश से जीतेगी उसी का फायदा जो है वो 2024 के चुनाव में होगा। और बीजेपी ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है 370 और 400 का, उसे पूरा किया जाएगा और इसी को लेकर के लगातार हम देख रहे हैं मंथन में जो है वो हो रहा है, विभिन्न स्तरों पर मंथन हो रहा है। इससे पहले भी मंथन हो चुका है, कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, आज भी कोर ग्रुप की बैठक होगी और उसके बाद अगले 2 से 3 दिन में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और वहीं पर उम्मीदवारों के नामों पर क्या जानकारी मिल रही है, जो तीसरी लिस्ट अब जो जारी की जाएगी बीजेपी की तरफ से उसमें सभी नामों के, उत्तर प्रदेश के मिला के देश के तमाम जो अब लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी है उस तीसरी लिस्ट में उन सबका नाम हो जाएगा शामिल, मतलब तीसरी लिस्ट फाइनल लिस्ट होगी। निश्चित तौर पर कंचन में अगर
जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तीसरी लिस्ट होगी उसमें अधिकांश नामों की घोषणा जो है वो हम कर सकते हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई। हालांकि अगर हम बात करें 2019 की बात करें तो 2019 में जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें वो जो बैठक हुई थी वो चुनाव की घोषणा के बाद हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की है, दो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी तक हो चुकी है चुनाव की घोषणा के पहले। पिछली बार भी जो ट्रेंड रहा है लगभग तीन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, इस बार भी अगर हम माने तो ये तीसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और ये आखिरी बैठक है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें लगभग सभी नामों पर आखिरी मोहर लग जाएगी और उसके बाद अध्यक्ष को जिस तरह की परंपरा रही है कि अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है, अध्यक्ष जो है वो फैसला लेते हैं, तो हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि अधिकांश नामों की घोषणा जो है वो तीसरी लिस्ट में हो जाएगी, लेकिन कुछ बचे हुए नाम है उनको लेकर के चौथी और पांचवी सूची भी आ सकती है जिसमें दो चार नाम रह सकते हैं। जी कंचन, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनीत जानकारी के लिए। तो देखिए बीजेपी का लक्ष्य बीजेपी का खुद से 370 जीतने का है और 400 पार का तो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे ही रहे हैं, तो ऐसे में पिछली बार जो बीजेपी ने एनडीए ने मतलब 64 सीटें उत्तर प्रदेश से जीती थी उसमें अब 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है। अब ये 67 सीटें अगर जोड़ेंगे तभी 370 का आंकड़ा बीजेपी पास अपना करती है। ऐसे में तमिलनाडु पर नजर है अगर आप बात करें और उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर नजर है। इस बार 64 को पार करते हुए 80 सीटें साधनी है, कई कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कर दी गई है। अब बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स जो 21 बच जाते हैं उनके नामों का ऐलान जल्द हो जाएगा, इसी को लेकर इस समय राजधानी में मंथन भी जारी है।